हैदराबाद कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेसियों ने महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर बढ़े दामों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया। जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन भाजपा गरीबों की ओर ध्यान न देकर अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट प्रभारी अजय कुमार को सौंपा। यूनुस चौधरी है, मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज धरने पर बैठे हैं, किन मांगों को लेकर बैठे? आज हम अभी जो हाल में गैस सिलेंडर पर 50 रुपए त्योहार के टाइम में बढ़ा दिए गए हैं, एक तो इसको लेकर बैठे हैं, क्योंकि पहले से ही गैस की दाम इतने बढ़ा चुके हैं एक आम आदमी की हाथ से बाहर हो गया। गरीब आदमी खरीद नहीं पा रहा है, सिलेंडर खाली है, उसके घरों में रखा है और रोटी वो बेचारा चूल्हे पे इधर उधर से लकड़ी लाके वो करता है। कहाँ विकास की बात करते थे और कहाँ आज ये हाल हो गया। जब 400 का सिलेंडर हम लोग दे रहे थे तो हमारी आलोचना की जा रही थी, आज ये 1100 का सिलेंडर दे रहे हैं तो गरीब आदमी का क्या हाल होगा, ये सोच नहीं सकते इस बारे में? त्यौहार ऊपर से आ रहा है और आज गैस की किल्लत हो गई है बेचारों को, रोजगार नहीं। अभी बिजली का बिल पे भी बता रहे हैं कि और बढ़ाएंगे, कहाँ से देंगे? हमारी राजस्थान में सरकार है, हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार है, उन लोगों ने गैस सिलेंडर के दाम आधे कर दिए, बिजली का बिल हाफ कर दिया, वो लोग भी तो चला रहे हैं। तो इन्हें इसका मतलब गरीब आदमी की आम आदमी की कोई फिक्र नहीं है, चाहे इनकी तरफ से मरो। आज चिकित्सा अभाव है, चिकित्सा का रोजगार का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। कब तक धरना रहेगा? धरना कब तक जारी रहेगा? धरना अभी रहेगा तो थोड़ी देर में ज्ञापन देंगे हम लोग। अब इसके बाद में और कार्यक्रम आ रहे हैं, उसमें भी धरने होंगे, प्रदर्शन होंगे आगे कार्यक्रम, ये तो चलता रहेगा। अभी जो है ये अभी शुरुआत है। आज हम धरने पर बैठे, क्या मामला है, किन किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे? मेरा नाम प्रमोद गोस्वामी है और आज का जो धरना है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो ऊपर हाईकमान के तरफ से आदेश पारित हुआ है कि एक दिवसीय धरना रहेगा, ये गैस के जो सरकार ने, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, कि जो ये गैस के दाम 50 रुपये सिलेंडर घरेलू सिलेंडर के बढ़ाए हैं, लेकिन 350 रुपये प्रति सिलेंडर जो कॉमर्शियल के भी बढ़ाए हैं, ये सरकार इतनी निकम्मी है कि इन लोगों ने ये नहीं देखना कि भारतवर्ष में सनातन धर्म के दो बड़े त्यौहार आते हैं, जो कि होली का पर्व है और एक दीपावली का पर्व। तो अब होली से पहले ये पूरी जनता को, पूरी जनता को इन लोगों ने जो ये क्या मैं कहूँ होली का गिफ्ट दिया है महंगाई के लिए, कि जहाँ एक तरफ इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, लोग बेरोजगार हैं और सरकार रेट पे रेट बढ़ाई जा रही है, ये सरकार बहुत निकम्मी है, ये सरकार हम लोगों को बदलनी है। इस अवसर पर यह धरना चल रहा है और सरकार को ये अपने बढ़े हुए दाम वापस लेने पड़ेंगे। थैंक यू। जनपद में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर हाईवे किनारे नाले में जा घुसा। कलेक्ट्रेट की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। चालक समेत दो लोग घायल हैं। गंभीर हालत देख चालक को दिल्ली रेफर किया गया। बता दें कि जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया है और जहां से गंभीर अवस्था में चालक को दिल्ली रेफर कर दिया गया। हादसा बागपत कलेक्ट्रेट के बाहर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ है और कलेक्ट्रेट की दीवार भी क्षतिग्रस्त हुई। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नगरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ तीन युवकों द्वारा सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया। पुलिस ने सभी तीन आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि नगरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी बुधवार को अपने घर जा रही थी कि तभी क्षेत्र के ही तीन युवकों ने उसे पकड़ लिया और एक स्थान पर ले जाकर उसके साथ
कथित तौर पर अलग अलग बलात्कार किया। घटना की पुलिस ने बुधवार की रात क्षेत्र के ही नगरा कस्बा निवासी दीपू चौरसिया, मुर्दागढ़ निवासी टुनटुन डोम और कस्बे के ही अखिलेश राम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा के तहत पॉस्को एक्ट में नामजद मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस ने सभी तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।